दिया है जो टैक्स देता है। आज यदि मैं कहने को सब जानते हैं इसलिए कहना उसमें कोई बुराई नहीं है। यदि राष्ट्रपति देश का हाईएस्ट पेड एम्प्लाई है तो वो टैक्स भी तो देता है। हम टैक्स भी देते हैं 3,50,000 रुपया महीना, लेकिन वो कोई कहेगा कि आपको, लेकिन जो मिलता है उसकी सब चर्चा करते हैं कि आपको तो 5,00,000 मिलता है, उसमें से हर महीने 3,50,000 निकल जाता है, बचा कितना, और जितना बचा उससे अधिक तो हमारे अधिकारी और उन सबको मिलता है कि जो टीचर्स बैठी हुई है ना, टीचर्स उन सबको सबसे ज्यादा मिलता है। मैं इसकी बात का उल्लेख केवल इसलिए कि ये जो टैक्स पेड हैं, आखिर इन्हीं से विकास होना है तो नुकसान किसका होगा? नुकसान हमारा होगा, अपना आपका होगा। कहीं न कहीं धैर्य देकर के, कहीं न कहीं आवेश में, ये मैं राजनीति की बात नहीं करता हूँ, संवैधानिक पद पर हूँ, लेकिन मेरा किसी राजनीतिक दल से संवैधानिक पद पाने के बाद लगाव नहीं। मेरे लिए हर, चाहे वो कांग्रेस हो, बीजेपी हो, जेडीयू हो, समाजवादी हो, बीएसपी हो, हर राजनीतिक दल के, और मुझे कभी कभी संतोष होता है कि शायद मेरे से जो दूसरे दलों के लोग हैं वो ज़्यादा आत्मीयता और प्यार करते हैं। मैं इस बात का केवल उल्लेख इसलिए किया कि राजनीतिक दल आते हैं, विकास की बात करते हैं, सब कुछ करते हैं, अपने उसमें उनका स्वार्थ भी होता है, देश क्षेत्र का भी स्वार्थ है, आपका भी स्वार्थ है, देश का भी स्वार्थ है, लेकिन कम से कम आप तो उस स्वार्थ से ऊपर उठे। आप ऊपर उठेंगे सोच समझ करके आप वोट करते हैं, और ठीक से जो वोट करते हैं। लेकिन ये जो मेरा इतनी ही है आपसे प्रार्थना और अपील कि उस पर निष्पक्ष होकर के कौन क्या कह रहा है, ये जो समझदारी, मैं जब नागरिकता की बात कर रहा था, नागरिक की बात कर रहा था, तो मेरी आप सबसे अपील यही है कि आप समझदार और जागरूक नागरिक बने। और जब देश का हर नागरिक समझदार और जागरूक नागरिक बनेगा तो मुझे लगता है कि देश के विकास की रफ्तार तेज होगी। आज कभी कभी लोग कहते हैं कि हमारी जो पीढ़ी है इससे पुरानी पीढ़ी जो थी वो ज्यादा सुखी थी, बात भी सच है, देखने में भी आती है। आज सड़कें अधिक बन गई हैं, लोगों के पक्के मकान हो गए हैं, बिजली है, पानी है, सब कुछ है, लेकिन हमें कष्ट है, दुखी हैं, क्योंकि हम सबने धीरे धीरे जो हमारी भारतीय संस्कृति का आधार जो था वसुधैव कुटुंबकम, उसको हम धीरे धीरे उसमें उसको